जी हिंद दोस्तों, दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं इसरो आईसीआरबी साइंटिस्ट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो, इसी वेबसाइट के माध्यम से ये फॉर्म फिलअप किया जाएगा और मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और इस लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी और यहाँ पर आने के बाद अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ उन स्टेप्स को आपको फॉलो करते जाना है। दोस्तों आप यहाँ पर ये भी चेक कर सकते हो कि किस पोस्ट के लिए कितने पद निकाले हैं और साथ ही किस कैटेगरी को कितने पद दिए गए हैं। इसके अलावा आवेदन करने के लिए आपसे एग्जैक्टली कौन सी क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हो, जो कि है आपकी बीटेक या फिर उसके बराबर फर्स्ट क्लास, यानी कि जो आपकी बीटेक की योग्यता उसमें आपके कम से कम 65% होने चाहिए और अगर आपकी CGPA के अंदर मार्क्स है तो आपके 6.84/10 CGPA होने चाहिए। तो यहां पर आने के बाद आपको ये डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी पोस्ट पर अप्लाई करना है और जो आपके पास क्वालिफिकेशन है वो कौन से डिसिप्लिन के लिए एलिजिबल है। तो यहाँ पर आने के बाद जैसे कि आप साइंटिस्ट इंजीनियर SC इलेक्ट्रॉनिक्स पोस्ट पर अप्लाई करते हो तो आपको इसी लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप अन्य पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उसी लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा। सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम रहेगा, तो आप कोई भी पोस्ट करें आगे का जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाला है। तो यहाँ पर मैं साइंटिस्ट इंजीनियर SC इलेक्ट्रॉनिक्स इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। सबसे पहले ये फुल नेम एज अपेयरिंग इन 10th क्लास, यानी कि यहाँ पर आपको अपना पूरा नाम देना होगा जो नाम आपका 10वीं की मार्कशीट के अंदर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर ईमेल आईडी फिलअप कर देता हूँ और यहाँ पर जो आप ईमेल आईडी भरोगे वर्किंग होनी चाहिए। इसके बाद रीटाइप ईमेल एड्रेस, जो भी ईमेल आईडी आपने यहाँ पर भरी है उस ईमेल आईडी को आपको दोबारा से भर करके कन्फर्म कर देना है। तो चलिए मैंने कन्फर्म कर दी है। आपका जेंडर क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी कैटेगरी कौन सी है वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी सेलेक्ट करने के बाद नीचे है आर यू एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, अगर हो तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। आर यू ए पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप PWD कैंडिडेट हो, यानी कि क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो यस, नहीं तो नो ही रहने देना है। वेदर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट PSU ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, क्या आप इनमें से किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हो, अगर करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर भी नो ही रहने देना है। वेदर वर्किंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहे हो या फिर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, अगर हो तो यहाँ पर भी आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। आर यू ए मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप एक मेधावी खिलाड़ी हो, अगर हो तो यस, नहीं तो नो ही रहने देना है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपना फादर नेम देना होगा और ये नेम भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार देना होगा। फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर दोस्तों अब आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा, पर जान लीजिए कि आपके फोटो का फॉर्मेट JPG या फिर JPEG के अंदर होना चाहिए और आपके फोटो का साइज 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका इमेज है आपको वहाँ पर जाना होगा और अपनी फाइल सेलेक्ट करनी होगी। ये देख लीजिए हम फाइल के अंदर आ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं अपनी फाइल में जाता हूँ और एक रैंडम इमेज अपलोड कर देता हूँ। तो चलिए मैं इस इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। अब ओपन करने के बाद आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है और जो आपका सिग्नेचर का फॉर्मेट है ये आपका JPG और JPG के अंदर ही और साइज भी इसमें सेम ही रखा है, तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपकी जो सिग्नेचर का नेम है वो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जितनी भी जानकारी आपने इस सेक्शन के अंदर भरी है वो आपको एक बार अच्छे से चेक करनी है और चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो जो आपका स्टेप वन है वो पूरा हो चुका है और आप स्टेप टू के अंदर आ चुके हो। साथ ही जो स्टेप वन के अंदर आपने जानकारी भरी है आप उन जानकारी को यहाँ पर चेक कर पाओगे, जैसे कि आपका फोटो, सिग्नेचर और अन्य जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हो। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ स्टेप टू की जानकारी कैसे भरनी है। तो सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। यहाँ सबसे पहले आपको अपना मंथ सेलेक्ट करना है, फिर बर्थ डे सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपको बर्थ ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद है नीचे एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस, यानी कि आपका प्रजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका प्रजेंट एड्रेस है वो यहाँ पर आपको भर देना है। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर इन तीनों सेक्शन का इस्तेमाल करके भर देना है। अगर आपका एड्रेस शॉर्ट ही है तो आप दो लाइन का इस्तेमाल भी कर सकते हो। आपकी सिटी कौन सी है आपको अपनी सिटी का नाम यहाँ पर दे देना है और ये देने के बाद आपकी स्टेट कौन सी है आपको स्टेट का नाम यहाँ पर भर देना है। आपका पिन कोड क्या है पोस्ट ऑफिस या फिर डिस्ट्रिक्ट का वो आपको यहाँ पर भरना है।
टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड, अगर आपका टेलीफोन नंबर है आपको यहाँ पर एसटीडी कोड के साथ दे देना है, नहीं तो आप इसको शायद खाली भी छोड़ सकते हो। अल्टरनेट इमरजेंसी टेलीफोन नंबर विद एसटीडी कोड, यहाँ पर आपको अपना अल्टरनेट जो इमरजेंसी टेलीफोन नंबर है वो दे देना है एसटीडी कोड के साथ में। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, आपके पास का रेलवे स्टेशन कौन सा है वो आपको यहाँ पर दे देना है। रिटर्न टेस्ट सेंटर, यानी कि कहाँ पर आप अपने रिटर्न टेस्ट सेंटर रखना चाहते हो, तो यहाँ से मैं न्यू दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये करने के बाद आपने जितनी जानकारी यहाँ पर भरी है, चाहे वो आपकी छोटी सी जानकारी क्यों ना हो, आपको अच्छे से चेक करनी है और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप इस फॉर्म के तीसरे सेक्शन पर आ जाओगे, जहाँ पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम के बारे में जानकारी देनी होगी। सबसे पहले डिग्री के सामने सिलेक्ट डिग्री पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना कि आपने किस डिसिप्लिन के अंदर या फिर कौन सी डिग्री आपके पास है। तो यहाँ से मैं बीटेक सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके सामने आपको ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी, तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे आने, और नीचे आने के बाद आपको क्या करना होगा, बस आपको नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है और जितनी जानकारी आप भरते आ रहे हैं वो यहाँ पर ऐड होती आ रही है। तो चलिए मैं नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब क्लिक करने के बाद आप फॉर्म के फोर्थ सेक्शन पर पहुँच जाओगे। यहाँ पर दिया है इंस्टीट्यूट नेम, यानी कि जो आपने अपनी क्वालिफिकेशन बीटेक की है वो कौन से इंस्टीट्यूट से की है या फिर यूनिवर्सिटी से की है, तो आपको यहाँ पर उसका नाम दे देना है। मैं यहाँ पर CCSU लिख देता हूँ, ये मैंने शॉर्ट में लिखा है, पर आपको अपनी यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का पूरा नाम यहाँ पर देना होगा। यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये करने के बाद आपको नीचे आने, और नीचे आने के बाद आप देखोगे कोर्स टाइप सेमेस्टर वाइज था या फिर ईयर वाइज था या फिर मिक्स ऑफ ईयर एंड सेमेस्टर। तो यहाँ पर आप जिसका जो भी आपका सेमेस्टर वाइज या फिर ईयर वाइज था वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर ईयर वाइज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद आपको नीचे आने और आप यहाँ पर देखोगे स्कोर एज, आपके जो मार्क्स थे वो मार्क्स के अंदर थे या फिर CGPA के अंदर थे, आपको उसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा मंथ एंड ईयर ऑफ पास, आपने कौन से मंथ और कौन से ईयर के अंदर अपनी बीटेक पास की थी वो यहाँ पर आपको चुनना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर 2014 सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लास डिवीजन ऑब्टेंड, आपकी क्लास या फिर डिवीजन क्या थी वो आपको सेलेक्ट करना है। रैंक इन यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर कौन सी रैंक थी, अगर आपकी इनमें से कोई एक थी तो आपको सेलेक्ट करना है, अगर आपकी अदर दैन फर्स्ट सेकेंड थर्ड थी तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर थर्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपको बस यहाँ पर सेम तरीके से नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म के फिफ्थ सेक्शन के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पर दिया है फुल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, आपके जो कोर्स का ड्यूरेशन था वो कितने साल का था, 4 या फिर 5, वो आपको सेलेक्ट करना है। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपने जो सेमेस्टर वाइज आपने चुना है या फिर ईयर वाइज आपने चुना है तो आपको उसकी जानकारी देनी होगी। तो जैसे कि क्वालिफाइंग एग्जाम, तो ईयर आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्क्स ऑब्टेंड यानी कि आपके पहले ईयर के अंदर कितने मार्क्स आपको प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पर मैं 450 ऐसे ही रैंडमली लिख देता हूँ, पर आपको अपनी जानकारी के अनुसार भरना होगा। और दोस्तों अगर आपने सेमेस्टर वाइज चुना होगा तो यहाँ पर जो आप बॉक्स देखोगे वो सेमेस्टर वाइज का ही रहेगा, उसमें भी सेम तरीके से आपसे पूछा जाएगा। तो टोटल मार्क्स आपके कितने थे, यानी कि कितने में से आपको 450 नंबर आए थे, वो आपको यहाँ पर भरना है। आपको आगे की जानकारी भी सेम तरीके से भर देनी है। मैं यहाँ पर रैंडमली ऐसे ही भर देता हूँ क्योंकि मैं फॉर्म सिर्फ डेमो वीडियो के लिए बना रहा हूँ। तो इस प्रकार से आपको सभी नंबर भर देने हैं। अब यहाँ पर आप नीचे आओगे, देखोगे इंटरमीडिएट यानी कि 10+2, आपने अपनी 12वीं या फिर डिप्लोमा कहाँ से की है, आपको यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी उसका नाम देना होगा। तो यहाँ पर मैं UP बोर्ड फिलअप कर देता हूँ। किस मंथ एंड किस ईयर के अंदर आपने पास की है वो यहाँ पर आपको चुनना होगा। तो चलिए मैं यहाँ से 2012 सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना होगा, परसेंटेज इन मार्क्स यानी कि आपकी परसेंटेज कितनी थी वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और फिलअप करने के बाद नीचे आप देखोगे मैट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं, तो आपने 10वीं किस बोर्ड से की है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है। मैं यहाँ पर UP बोर्ड शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर आपको UP बोर्ड का पूरा नाम यहाँ पर दे देना है। इसके सामने मंथ एंड ईयर ऑफ पास, आपने किस मंथ और किस ईयर के अंदर पास की है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो 2008 में सेलेक्ट करता हूँ, और परसेंटेज आपकी कितनी आई थी वो यहाँ पर आपको डाल देना है। अब ये डालने के बाद आपको सीधा सा इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करने के बाद फाइनली आप इस फॉर्म के 7वें सेक्शन के ऊपर आ जाओगे, जहां पर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक कर सकते हो कि अभी तक आपने जितनी भी जानकारी भरी है वो सही है या फिर गलत है। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आपको नीचे आने, और नीचे आने के बाद आपको अगर लगता है कि जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना होगा, और अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी कहीं पर गलत है तो आप प्रीवियस स्टेप के ऊपर क्लिक करके उसी सेक्शन में जाकर के उस जानकारी को सही कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट के ऊपर
ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है थैंक यू, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली। अब आपको अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करनी होगी जो कि है आपकी 100 रुपये प्लस एप्लीकेशन एप्लीकेबल बैंक चार्जेस यानी कि जो चार्ज लगते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके सामने इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ से नीचे आना है और नीचे आने के बाद मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट के पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा। ये देख लीजिए आप पेमेंट के पेज पर आ चुके हो। आप यहाँ पर जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हो कर सकते हो, चाहे वो SBI की नेट बैंकिंग हो या अन्य बैंक की हो, कार्ड पेमेंट वो SBI का हो या फिर अन्य बैंक का हो, आप चूज कर सकते हो। जैसे कि ज़्यादातर लोग कार्ड पेमेंट का इस्तेमाल करते तो यहाँ से आपको उसी के ऊपर क्लिक कर लेना है। जिस भी माध्यम से आप अपनी एप्लीकेशन फ़ीस जमा करना चाहते हो यहाँ से आपको कन्फर्म करना है। फिर इसके बाद आपको एक बार फिर से कन्फर्म करना है और कन्फर्म करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने कार्ड नंबर देना होगा, एक्सपायरी डेट और ईयर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, कार्ड होल्डर नेम यानी कि जो नेम आपके कार्ड के ऊपर है वो यहाँ पर भरना है, CVV या फिर CVC यहाँ पर आपको डाल देनी है, जो कैरेक्टर सिक्योरिटी कोड के रूप में यहाँ पर दी है वो यहाँ पर आपको भरने हैं। इसके बाद आपको पे के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप पे के ऊपर क्लिक करते हो तो जो नंबर आपका अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। आपको OTP डाल करके नेक्स्ट पेज के ऊपर कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करते ही आपका फॉर्म पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा और आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी जमा हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर एप्लीकेशन फ़ीस जमा करते हुए कुछ इस तरह का टेक्निकल एरर आ जाए कि जो आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है वो कट हो जाए, पर जब आप यहाँ से आगे बढ़ते हो तो आता है पेमेंट फेल्ड और आपकी एप्लीकेशन फ़ीस कट जाती है, तो आपको दोबारा एकदम से एप्लीकेशन फ़ीस जमा नहीं करनी है। आपको कम से कम 48 घंटों का वेट करना है। अगर 48 घंटे के बाद भी आपका पेमेंट अपडेट नहीं होता और ना ही रिफंड आता तो आप तब जाकर के दोबारा एप्लीकेशन फ़ीस जमा कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कीजिएगा, आपकी फ़ीस बाद में अपडेट हो जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी इसरो ICRB साइंटिस्ट इंजीनियर ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ ज्ञान दे होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।